मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी हमलावर हुई तो कांग्रेस ने कहा वंदे मातरम को लेकर किसी तरह का विरोध नहीं है। वंदे मातरम पर विवाद हो गया है। मध्य प्रदेश में नए साल के पहले दिन सचिवालय के सामने वंदे मातरम नहीं गाया गया। बीजेपी सरकार में हर महीने के पहले कामकाजी दिन वंदे मातरम गाने की परंपरा शुरू की गई थी। भारत माता की अपनी मातृभूमि की वंदना करना भी कांग्रेस की सरकार भूल गई। अगर इसी प्रकार के नवाचार कमलनाथ जी को करना है तो उनको उनके स्थान पर जनता बहुत जल्दी पहुंचा देगी। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि वंदे मातरम होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो चूक है। मैं समझता हूं कि ये आज पीएस चूंकि नए ज्वाइन किए हैं तो कोई अव्यवस्था होगी, पर फिर भी अगर होना था देश के राष्ट्रगान में तो कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर ऐसा किससे चूक हुई वो ध्यान रखा जाए।